सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिवावा, ज्ञान अमृत पिलाकर हम बच्चों को अमर बना रहे हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? बाबा कहते हैं, जब बाप दुखों से अथवा पांच विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, तो वो कभी किसी को दुख कैसे दे सकता? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती, बाप आते हैं वर्षा देने। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है। भक्ति इस ज्ञान मार्ग में गीतों कविताओं डायलॉग आदि की जरूरत नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बात, हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज, यानी ये ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा धौरी करना है। बाप कहते हैं, यह सब करते तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते? वो समझाते हैं, उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है, अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बनना इतना समय नहीं लगता है। बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचते हैं फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई है तो जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह किसी को पता ही नहीं है। बनी बनाई जरूर है, इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। इसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है, कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे 22 कप, तो अब निकले 22 कप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। ये 22 कप निकला है। इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए नाटक में फर्क हो जाता है, 22 कप में फर्क नहीं हो सकता। यह एक स्टोरी है नई पावन दुनिया और पुरानी पति दुनिया की। सिर्फ मनुष्य को यह पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य को यह सब पता नहीं है, तुम बच्चों को पता है। तो बाबा कहते हैं, बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते हैं। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा जी ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें? भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया? वो भी महिमा निकलेगी परमपिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। दुख देने वाले हैं पांच विकार। सत्य त्रिता को सुखधाम कहा जाता है, वो है ही ईश्वरीय स्थापना। यह फिर है आसुरी स्थापना, जिससे मनुष्य पांच विकार में फंस पड़ते हैं। आसुरी स्थापना माना पांच विकार में फंस पड़ना। बाबा कहते हैं, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं, मनुष्य को कुछ भी पता नहीं। भगवान उवाच, यह वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना,
जो कुछ तुम करते आए हो वो सब उतरती कला के, जो कुछ तुमने बनाया है वो अपने को गिराने के लिए, तुमको मत मिलती है गिराने की, क्योंकि है ही उतरती कला। कलयुग में पावन दुनिया थी, अब पति दुनिया है। आधा कलप नई दुनिया, आधा कलप है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, बाबा उदाहरण दे रहे हैं, 24 घंटे के बाद दिन पूरा हो फिर रात होती है, वैसे यह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे। ये कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। बाप समझाते हैं, अभी तमो प्रधान से स्वतः प्रधान में जाना है, अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापना हुई। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव शिव बाबा को याद करना है, बस अपने को आत्मा समझना है, शिव बाबा को याद करना है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए, बड़े चित्र पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। भारत कितना गोल्डन एज था, अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है। उनकी स्थापना, उनका विनाश होना चाहिए। गायब जाता है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं। रोड पर भी त्रिमूर्ति राम रखे हुए हैं, वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों देवताएं अलग अलग हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, किसी में भाव बैठ जाता है फिर उनको लॉकेट बनाए अपने गले में डाल लेते हैं, उनका लॉकेट माने उनके चित्र को। गुरु का लॉकेट पहने गुरु को याद करते हैं, बस ईश्वर सर्वव्यापी है फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क नहीं रहा। ऐसे ढहरे बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और पुरानी चीजों के बारे में, पुराने संस्कारों के बारे में, नई दुनिया के बारे में, नए संस्कारों के बारे में राज समझाया है। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं, अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं, भगवान को आकर पावन दुनिया स्थापना करो या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम है दो, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हैं फिर पूज्य बनना है। भागवत में श्री कृष्ण सत्यु का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है, कुमार कुमारी की ही महिमा होती है, क्योंकि पवित्र है ना, नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु यह किसी को मालूम नहीं। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे। समझते हैं बच्चा वर्ष का हकदार बनता है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहां तुम सब हो बच्चे, बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मिले लाडले बच्चे, तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, सदा यह बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे, इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। बाबा कहते हैं सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है, कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। साथ में बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, एवरेटी वन हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौज में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझी हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति स्वगति क्या होगी, इसलिए मूंझना नहीं है। इसलिए सदा एवरेडी रहो, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। बाबा कहते हैं सदा यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूं, मेरा हर संकल्प हर बोल हर कर्म विशेष है,
एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। तो बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्म का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो माने अच्छा कर्म करते चलो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं खुशी और मौज में रहने वाली इस संसार में सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।